22 मई को कराची में तयारा हादसे में जान बहक होने वाले 88 अफराद की शनाख्त हो गई है, जबकि 87 मैयतें वरसा के हवाले की जा चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। पीआईए तर्जुमान के मुताबिक तयारा हादसे के 82 शहदा के लवायकीन को हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया है। इधर जहाज का इंजन और विंग उठाने के लिए सिविल एविएशन और पीआईए की टीम ने जिना गार्डन में उस मकान का दौरा किया जहां जहाज का इंजन गिरा था। सिविल एविएशन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पीआईए के हुक्काम की मौजूदगी में इंजन और विंग को उठाया जाएगा, जिसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। सिविल एविएशन के मुताबिक एयरबस फ्रांस की टीम, जिसने गुज़िश्ता दिनों जाए हादसा का दौरा किया था, इसने फ्रांस में जहाज के ब्लैक बॉक्स की डी कोडिंग का अमल शुरू कर दिया है। जबकि हादसे की तहकीकात के हवाले से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट बोर्ड के सरबराह कमोडोर उस्मान गनी भी फ्रांस में मौजूद हैं। तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम की मैयत आज लाहौर रवाना की गयी। हसन नासर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।